हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा आई लव टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर मी दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पॉन्टलू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम स्टार्ट करें, उससे पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से था, नवंबर 2020 में किस कमांड द्वारा बुल स्ट्राइक नामक एक विशेष त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, ठीक है? याद रखना अंडमान और निकोबार कमान द्वारा बुल स्ट्राइक, ठीक है? याद रखना बुल स्ट्राइक नामक एक विशेष त्रिकोणीय अभ्यास आयोजित किया गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखें दोस्तों, अंडमान और निकोबार कमान द्वारा बुल स्ट्राइक, याद रखना बुल स्ट्राइक है ना, त्रिकोणीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। सेना, नौसेना और IAF के साथ, पैरा SF और समुद्री कमांडो की संपत्ति श्रम शक्ति के साथ उच्च वोल्टेज अभ्यास से 5 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया, याद रखना, ठीक है? चलिए अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। चलिए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस NLSD के कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस की हम बात कर रहे हैं तो 9 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें, निम्न में से किसकी चीन में नाक स्प्रे कोरोना वायरस वैक्सीन का एक मध्य नैदानिक परीक्षण शुरू करने की योजना है? तो दोस्तों, किसकी है, याद रखना आपको, बीजिंग वन ताई जैविक फार्मेसी इंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड, ठीक है? याद रखना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखो तो बीजिंग, आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है, और याद रखना है दोस्तों चीन की कैपिटल बीजिंग हो जाएगी, मुद्रा चीनी युआन और राष्ट्रपति सी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें तो क्वेश्चन है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड टाटा MD ने COVID-19 के लिए कितने नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं या कितने मिनट के भीतर अंतिम परिणाम प्रदान कर सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाएगा इसका 90, ठीक है? ये 90 आपको याद रखना है, 90 मिनट में ये परिणाम दे देगा, है ना? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस राज्य में मछुआरा समुदाय की मदद करने के लिए एक अग्रणी पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों, मछुआरा के लिए कहाँ पर शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें दोस्तों, केरल की यदि हम बात कर लें तो केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, केरल की कैपिटल, है ना? और बात करें, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हो जाएंगे, राज्यपाल RF मोहम्मद खान, याद रखना। जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9 हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें तो क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, याद रखना आपको, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखना, ठीक है? चलिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहां भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, कहां पे की है, इसका आपको याद रखना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, आपको याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है, तो आपको याद रख लेना अरुणाचल प्रदेश। स्टेज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत की पहली सौर शुरू कर दी है। और बात करने वाले दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा, लोकसभा सीटें 2, एक राज्यसभा सीटें 1 और जिलों की संख्या टोटल 25 है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखो, वर्जिन हाइपरलूप किस शहर को मुंबई से 25 मिनट में जोड़ने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों, मुंबई से 25 मिनट में जोड़ने के लिए पुणे को बना रहा है, ठीक है? पुणे को जोड़ने के लिए योजना बना रहा है, कौन बना रहा है, वर्जिन हाइपर लूप, याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसने दिल्ली में DRDO मुख्यालय में एंटी सैटेलाइट प्रणाली का एक मॉडल उद्घाटन किया? तो दोस्तों, किसने किया, राजनाथ सिंह जी ने अभी दिल्ली DRDO ऑफिस में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मॉडल का उद्घाटन किया है, याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें तो क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2020 में किसके बोर्ड ने 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, आपको याद रखना L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें क्वेश्चन, नवंबर 2020 में पूला देशपांडे के नाम से लोकप्रिय पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की कौन से जयंती को गूगल डूडल के साथ मनाया गया? तो दोस्तों, ये 101वीं जयंती थी, आपको विशेष याद रखना है ताकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गूगल ने अपने फ्रंट पेज पर ये फोटो इनकी लगाई थी, याद रखना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें क्वेश्चन, नवंबर 2020 में किस राज्य की मिलावटखोरों और राज्य में नकली सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना मध्य प्रदेश, आपको याद रख लेना है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, भोपाल हो जाएगी, है ना, याद रख लेना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ताकि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, याद रखना UP की, ठीक है? चलिए, लोकसभा सीटों की बात कर लें, 29 हो जाएगी, राज्यसभा सीटें 52 और जिलों की टोटल संख्या 52। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें दोस्तों, तो क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पेंगोंग जो त्यो मार्ग को अब निम्न में से कहाँ 4G सेवाएँ प्राप्त हुई? तो दोस्तों, आपको याद रखना तांग से, आपको याद रख लेना है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए आगे देखें तो वर्ष 2020 में उत्तराखंड की स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो दोस्तों, आपको याद रख लेना उत्तराखंड में जो इस साल मनाई जा रही है लेना है 20, ठीक है? 20, हाँ, वर्ष 2020 में उत्तराखंड की स्थापना दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो दोस्तों, 20 आपको विशेष याद रखना है कि 20, ठीक, 20
20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चलिए देखते हैं आगे आगे याद हम बात करें दोस्तों, तो 9 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कई जिलों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से को मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया गया था, ठीक है याद रखना। चलिए 20वां स्थापना दिवस 2020 में मनाया रहा है और ये 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, 2000 में अलग हुआ था, तो 2020 में 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। चलिए उत्तराखंड की बात कर लें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य याद रखना, राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल और पंजीकृत जीव उत्तराखंड तेजपात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़े, क्वेश्चन है नवंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कितने केंद्रों को मंजूरी दी है, याद रखना है 6 खेलों को मंजूरी दी है, कितने खेलों को मंजूरी दी है 6, आपको विशेष याद रखना है, ठीक है खेलो इंडिया के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ना, क्वेश्चन है टेनिस में किसने नवंबर 2020 में अपना 8वां ATP खिताब जीता, तो दोस्तों डेनियल मेदवेदेव, आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव ने टेनिस में नवंबर 2020 में अपना 8वां ATP खिताब जीता। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें, नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने सदस्यों की कोरोना वायरस टास्क फोर्स की घोषणा की है, तो दोस्तों इस टास्क फोर्स में टोटल कितने हैं 12 लोग हैं, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें दोस्तों, तो 12 सदस्यीय आपको विशेष याद रखना है, 12 सदस्यीय कोरोना वायरस टास्क फोर्स की घोषणा कर दी गई है USA द्वारा। और अमेरिका की बात करना है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, Washington DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर, और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये दोस्तों निर्वाचित हुए हैं अभी प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको विशेष याद रख लेना है, निर्वाचित ही हैं, जनवरी या फरवरी से दोस्तों राष्ट्रपति जो बाइडेन बन जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें तो क्वेश्चन हमारा है नवंबर 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त YK सिन्हा ने किन सूचना आयुक्त को पद की शपथ दिलाई, तो दोस्तों इन तीनों ने ही सरोज पन्हानी, हीरालाल सामरिया और उदय माहौरकर, तीनों ने ही दोस्तों अभी मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं हमारे सिन्हा जी, YK सिन्हा जी, उनको शपथ दिलाई है, तो अंतर क्या आंसर क्या हो जाएगा 5th, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ें दोस्तों, बात करें मुख्य सूचना आयुक्त YK सिन्हा, याद रख लेना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयुक्त शपथ ग्रहण आयुक्त हीरालाल समरिया, श्री सुश्री सरोज पन्हानी और उदय माहौरकर ने इनको पद की शपथ दिलाई है, ठीक है पद की शपथ दिलाई है। चलिए देखते हैं आगे बात करें दोस्तों, इनके सामने होने के साथ केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, कितनी हो गई 8, विशेष याद रखना। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें, ई संजीवनी ने 7 नवंबर 2020 को 7 लाख परामर्श पूरे किए, पिछले 1 लाख परामर्श कितने दिनों में किए गए थे, तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना 15 दिनों में किए गए थे। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है, तो दोस्तों आपको विशेष याद रख लेना है कि ये कब से शुरू की गई है, दोस्तों जनवरी 2021 से शुरू की गई है। चलिए देखते हैं आगे आगे देखें, क्वेश्चन है भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों चुसूल में, आपको विशेष याद रख लेना है। तो दोस्तों ये हमारे आज के हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो हमने आज किए 10 नवंबर 2020 को, तो दोस्तों इसके बाद हम आप देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से है कि नवंबर 2020 में किसने भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 में योगदान देने के लिए मार्ग बनाने हेतु अत्यधिक कुशल भारतीय प्रवासी के साथ बातचीत की, तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।